हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विद विशाल। गाइस, ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा टेनिस बॉल से बैटिंग करते हुए आप बैट को कैसे ग्रिप करें। गाइस, बैट ग्रिप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप बैटिंग करोगे, रन बनाओगे, उसके बाद ही आप सिक्स मारोगे, लंबे लंबे सिक्स उसके बाद ही मारोगे। अगर बैट ही ग्रिप आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी जो मेरे भाई जो टेनिस से बैटिंग करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि गाइज बैट ग्रिप ही सबसे ज़्यादा मेन है बैटिंग करते हुए। चलिए गाइज, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले बात करेंगे बैट को आपको पकड़ना कहाँ से, आपके हाथ कहाँ होंगे बैट पे ग्रिप करते हो, और उसके बाद बात करेंगे कौन सा हाथ आपका टाइट रहेगा, कौन सा ढीला रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, हमेशा जैसे आपके बैट की ग्रिप है, हमेशा आपको बैट को बीच में से पकड़ना है। मैंने बहुत प्लेयर देखे हैं टेनिस से बैटिंग करते हैं, बैट को हमेशा ऐसे ज़्यादा ऊपर से पकड़ते हैं या ज़्यादा नीचे से पकड़ते हैं। तो आप अपने माइंड में बात डालो, जितना आप बीच से पकड़ोगे, पूरा अपना ग्रिप का यूज़ करोगे, आपको ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, लास्ट के ओर आप थोड़ा ऊपर से पकड़ सकते हो, पर कोशिश करो कि बीच में रहे, बीच में जाए ज़्यादा बैटर रहेगा। अगर ज़्यादा ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा बिल्कुल नीचे पकड़ा है तो मूव होने का चांस उतना ही कम है, और ज़्यादा ऊपर है तो गाइस उतना अच्छा ग्रिप नहीं हो रहा है, देख लो ग्रिप। तो हमेशा बीच से कोशिश करो, और आपके हाथ में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, गैप बंद होगा। और गाइस ये वी चेक करो, सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि गाइस टेनिस में भी सिक्स ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी और लेदर में भी आपको ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी, बॉल उसी तरीके से आएगी आपके पास। ये आपका वी हो गया और आपके हैंड के वी, ये दोनों गाइस कोशिश करो कि मिला के, जैसे ही हो गया पहले स्टार्टिंग में यहाँ से पकड़ो, ये आपका हो गया और फिर ये वाला हो गया, जैसे आप देख सकते हो ये, उसके बाद बैट सीधा आएगा आपका। अगर आप इसे चेक नहीं करते हो वी को, तो देख गाइस देख सकते हो बैट सीधा नहीं आएगा यहाँ पे, जब आप कभी भी हिट करोगे तो बैट आपका सीधा नहीं आएगा। अब देख सकते हो दोनों वी मिले हुए हैं सामने, बैट हमेशा बॉल पे लगते हुए सीधा होगा। तो हमेशा कोशिश करो कि आपके ये वाले वी, ये इस वी के सामने हो बैटिंग करते, उसके बाद सीधा आएगा। और गाइस, हाथ कौन सा टाइट रहेगा, कौन सा ढीला रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ऊपर वाला हाथ तो टाइट रहना है, नहीं आप स्टार्टिंग में जाओ और या एंड में जाओ, ऊपर वाला हाथ आपका टाइट ही रहेगा। कोशिश करो ये वाला हाथ टाइट रखो। और इस हाथ का यूज़ कब करना है, स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है बैटिंग करते हो, आपको अभी हिटिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा खेलना है, आपके दो चार ओवर बचे हैं, आपको खेलना है, तो आप इसको थोड़ा ढीला कर सकते हो, पर ये आपका टाइट ही रहेगा। इसको ढीला गाइस कैसे कर सकते हो, आप ऐसे पकड़ सकते हो स्टार्टिंग में। और आपको बता दूं बैट का फेस आपका कैसे रहेगा, जैसे आपने एक बैट ग्रिप किया है, बैट का फेस आप थोड़ा सा ओपन रखें और थोड़ा सा आपका स्लिप की साइड रहेगा, आपका अंदर नहीं घुसाना है, आपको स्टांस लेते हुए ये बैट ऐसे कोशिश ये करना है, ये रहेगा आपको बैकलिफ थोड़ी ऊपर उठी हुई, और ये हाथ देखो आप मेरा टाइट है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा ढीला रखना है स्टार्टिंग में। अगर आपको लग रहा है लास्ट के आपके दो चार ओवर बचे हैं, आपको हिट ही करना है जाके, तो आप दोनों हाथ टाइट रख सकते हो, उस टाइम आप ऐसे टाइट रख सकते हो दोनों हाथ, फिर आप दोनों टाइट रख सकते हो। पर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है मुझे दो चार ओवर बैटिंग करनी है, खेलना है भी, उस टाइम आप पहला टाइट रखें, दूसरा थोड़ा ढीला रखें, आप खेलें। उसका फ़ायदा क्या होगा गाइज, ये हमारा हाथ टाइट रखेगा, इसमें लिफ्टे मारने के लिए अच्छा होता है, जब ये हाथ टाइट रहेगा, जब आप लिफ्टे मारने छक्के मारने तो उस टाइम ये टाइट रख सकते हो। पर स्टार्टिंग में अगर आपको लिफ्टे नहीं मारने खेलना है, तो उस टाइम ये वाला हाथ टाइट रखें आप। गाइज, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप एक दिन में ये तरीका नहीं सीखोगे, पर हाँ आपको स्टार्टिंग में आपको लगेगा कैसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा, पर धीरे धीरे आप जब पकड़ना सीखोगे तो आपको आदत हो जाएगी इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपका तरीका कोई भी हो सकता है, उसमें आप रन मार रहे होंगे, पर ये तरीका आप अपनाओगे, ये भी गाइस अच्छा तरीका है, इससे क्या होगा पूरा बैट का यूज़ करोगे और बैलेंस रहेगा, और हिटिंग करने के लिए ये तरीके बेस्ट होते हैं जो मैं आपको बताया, जब आप बैट टाइट पकड़ोगे। अगर आपको खेलना है तो आप ये वाला हाथ थोड़ा सा लूज रख सकते हो, अगर आपको मारना है स्टार्टिंग से टाइट रख सकते हो। बैट का फेस भी मैंने बता दिया, और हमेशा ध्यान रखना है बॉल के बीच में लेने की कोशिश करनी है। आप जब भी बैटिंग करो, बैट के ग्रिप के साथ साथ आपको कोशिश क्या करनी है, जब भी ग्रिप हो तो बॉल को बीच में लेने की कोशिश करो, और ये हाथ हमेशा टाइट ही रहेगा, इसके बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको बैटिंग करनी है। और साथ साथ पावर हिटिंग करनी है, लिफ्टें मारनी है टाइट दोनों। तो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, क्रिकेट विशाल सेम अकाउंट है। गाइज सपोर्ट इंस्टाग्राम पे भी करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज।